नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री की अगुवाई में प्रदेश के कर्मचारियों की राज्य स्तरीय मांगों को लेकर दूसरे दिन भी नगर निगम मुख्यालय फरीदाबाद गेट पर कर्मचारियों का प्रोटेस्ट रहा। प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री के अनुसार अक्टूबर 2022 और अप्रैल 2023 की हड़ताल के दौरान निकाय मंत्री के साथ जो मांगों पर सहमति हुई थी वो आज तक सरकार ने लागू नहीं की, इसलिए अब आने वाले समय में कर्मचारी 17 मई को सुबह सवेरे प्रदेश के तमाम विधायकों और मंत्रियों के निवास पर पहुंचकर आदमी और शंख बजाकर उन्हें जगाने का काम करेंगे। मुकेश बेनीवाल जी बहुत ही सीनियर, हमारे बड़े भाई दान सिंह जी हमारे बीच में। हम पिछले अक्टूबर में भी हड़ताल पर गए थे, 11 दिन हमने हड़ताल करी और अप्रैल में भी हमने आंदोलन किया है, कर्मी भूख हड़ताल करी। अक्टूबर में 11 दिन की हड़ताल के बाद मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई और अप्रैल 2023 में भी मंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई। दोनों बैठकों में मांग लगभग एक जैसी ही, कच्चे आदमियों को पक्का करना, हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग करना, फायर को दोबारा से शहरी स्थानीय निकाय विभाग में शामिल करना और 1327 फायरमैन ड्राइवरों को 58 वर्ष की नौकरी की गारंटी देना। हरियाणा सरकार से हमारे नेताओं की बात हुई है, नगर पालिका कर्मचारी संघ की, और 22 अक्टूबर को बात हुई थी और एक पत्र जो है ना 8 फरवरी को जारी किया है। तो जब सरकार ने पत्र जारी किए हैं तो यहाँ के जो प्रशासन अधिकारी है वो कुंडली मार करके बैठे हैं, वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। पत्र जारी, एक तो कच्चे कर्मचारी को पक्का करने का पत्र जारी कर दिया है, 1000 जोखिम भत्ता का पत्र जारी कर दिया है,